पहली बात तो देखिए, महागठबंधन इस समय देश की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 9 साल से देश झेल रहा है और संविधान पर, लोकतंत्र पर, आम लोगों की रोजी रोटी जिंदगी पर इस तरह से हमले हो रहे हैं हर रोज़, तो ये देश इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें लगता है कि महागठबंधन बनना, ये तो इस समय देश की ज़रूरत है, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, संघीय ढांचा के लिए। और बिहार में महागठबंधन का एक सफल प्रयोग हुआ है और हमें लगता है कि बिहार से हमने भी जो महाधिवेशन किया था साल के शुरू में, हमने वहीं से प्रयत्न किया कि एक देश में विपक्षी एकता बने और एक माहौल बने। तो हमें तो अच्छा लग रहा है कि बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है और मीटिंग हो, और हमें लगता है कि पूरे देश में एक व्यापक विपक्षी एकता, एक विश्वसनीय विपक्षी एकता और पूरे देश में एक जबरदस्त जन आंदोलन का माहौल बनेगा। जितना माझी को लेकर कहा है कि छोटे छोटे दल जो है वे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, अब इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते कि जदयू और जितेंद्र मांझी जी के बीच में क्या बातचीत हुई, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि जेपी नड्डा इसी पटना में आए थे बिहार में, और आकर के उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अब एक ही पार्टी रहेगी और अगले 50 साल राज करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो डेमोक्रेसी का मतलब है मल्टी पार्टी सिस्टम, और उसमें बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो सबके लिए जगह है, और अगर जनता का समर्थन है तो सभी पार्टियों के पास ताकत है। इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो देश में जो अहंकार है इस समय, अत्याचार है मोदी जी का, अमित शाह का, इस सरकार का, इसके खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सर, अमित शाह का जो बयान वो कर रहे हैं कि महागठबंधन तो बन रहा है, बारात तैयार हो रहा है, लेकिन बारात का दूल्हा कौन होगा? ये सब कोई बात ही नहीं है। हमें लगता है कि देखिए, चुनाव होने दीजिए और जब समय आएगा तो देश में निश्चित तौर पर नई सरकार बनेगी, नए प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल देश को छुटकारा चाहिए इस पूरे आफत काल, ये कहते हैं अमृत काल और लोग कह रहे हैं कि आफत काल मोदी जी ला दिए हैं देश में, आफत काल से देश को छुटकारा चाहिए। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।